माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल दिल्ली मैथ में स्वागत है और मैं आपको आज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आज बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? हाँ स्टूडेंट्स, अब ये है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। हमने पढ़ा होगा सेवन्थ क्लास में कि टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 90 डिग्री। दिस कॉल्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इन ट्रेंगल ए बी सी में, ये हमारे पास ट्रेंगल ए बी सी है, तो अगर हमने लेट किया, लेट एंगल ए इक्वल टू थीटा लिया, तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। लाइक दैट कैसे, इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, ये आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक, तो हमारी डेफिनेशन क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की? इफ टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री, दिस कॉल्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपको? अब देखो मैं आपको और चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। लेट एंगल ए इक्वल टू थीटा, देन एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। चूंकि वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए कितना है आपका? थीटा है। एंगल बी आपको फाइंड करना है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है? 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री गिवन इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल बी इक्वल टू थीटा और 90 ट्रांसपोजिंग टू राइट हैंड साइड, तो 180 माइनस थीटा माइनस 90 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू हाउ मच? 180 में 90 के 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारा आ जाए कि एंगल बी इक्वल टू हाउ कितना आ गया हमारे पास में? 90 डिग्री माइनस थीटा। अब 90 डिग्री माइनस थीटा में आप ये ध्यान रखें, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसके सामने वाली साइड, ये अपोजिट साइड, ये परपेंडिकुलर होता है, और जो एडजेसेंट साइड है दिस इज बेस, और जो ये जो हाई, जो लॉन्गेस्ट साइड जो 90 का अपोजिट है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। इसको ध्यान में आपको रखिएगा। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझाने जा रहा हूँ इस ट्रेंगल के थ्रू। जैसे ये ट्रेंगल आपका ए बी सी है, इन ट्रेंगल ए बी सी में जो एंगल थीटा के कितने एंगल्स होंगे मैं आपको, तो इसमें 6 रेशियो होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, साइन ये होता है कॉसिक, सिक एंड कॉट। तो अब एक आपको फार्मूला मालूम होगा कि पंडित बद्री प्रसाद, पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हल भोले एंड सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर भोले एंड सोना चांदी तोले। सो एस मीन्स क्या होता है? साइन, सी फॉर कॉस, टी मतलब टेन। ये चीज़ हम समझाने आपको जा रहे हैं। तो ये आपको कितना हो जाएगा? तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा ध्यान देखिएगा, साइन थीटा जो होगा, ये आपका थीटा का अपोजिट साइड क्या होगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये जो एडजेसेंट साइड थीटा के एडजेसेंट, ये बेस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये क्या है हमारे पास में? पी बाई एच। जैसे ये हमारा है पास क्या है? पी बी पी बाई एच एच बी, तो क्या हुआ? पी बाई एच। पी बाई एच मीन्स साइन थीटा, और फिर इसके बाद में कॉस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। एंड टैन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, एंड टैन थीटा इक्वल टू पी बाई पी। ये फार्मूला याद कर लेना, पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर भोले। तो ये अच्छा, इसका अपोजिट क्या हो गया? कॉसिक थीटा कितना हो जाएगा? इसका अपोजिट कितना हो जाएगा? एच बाई पी हो जाएगा। एंड सेक थीटा कितना हो जाएगा? ये एच बाई बी हो जाएगा, एच एच बाई बी। एंड कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बी बाई पी। तो ये कितना होगा? साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इक्वल टू पी बाई पी। इसी का जस्ट अपोजिट लीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू एच बाई पी, दिस बाई दिस, एंड सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, एंड कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी बाई पी। ये आपके पास में, ये आपके एंगल्स हो गए साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट। इसी के बेस पर आपको पूरा आपको हम समझाते हैं। अब आपके पास में एक नेक्स्ट एंगल है, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये आपके पास में है, ये है ए बी सी,
तो अब हमको समझाना है, जैसे साइन 90 डिग्री, ये आपको फार्मूला वही रहेगा, पी बी पी बाई होता है एच एच बी, ठीक, पंडित बद्री प्रसाद बाई हर हर भोले, ये फार्मूला आपका हमारा यही चलेगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो जो 90 डिग्री माइनस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा का अपोजिट साइड, दिस इज द परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा, और 90 का अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज है, और जो एडजेसेंट साइड है आपके जो बी से, ये 90 माइनस थीटा, ये दिस इज द बेस, क्या बोलते हैं इसको, बेस बोलते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, अब इसके फार्मूलाज हो जाएंगे हमारे पास में, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच, पी बाई एच मीन्स क्या हो जाएगा, पी बाई एच मतलब ए सी बाई ए बी, क्लियर, और ये कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा संगे ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स बी सी बाई ए बी, एंड टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू पी बाई बी, पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब ए सी बाई हो जाएगा आपके पास में, बी सी हो जाएगा, ये क्लियर हो गया आपके पास में। और ए सी बाई बी सी, अब देखिए जो ए सी बाई ए बी है, क्या है, ए सी बाई ए बी, तो ए सी बाई ए बी ये आपका इस एंगल के लिए थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में अल्टरनेटिव क्या रिजल्ट आया हमको, कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाउ मच, कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा, एंड टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉट थीटा, एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा, ठीक, राइट। और एक फार्मूला होता है सेक 90 माइनस थीटा, सेक माइनस थी 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में सेक थीटा। तो ये आपके फार्मूलाज हो गए जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज में लगते हैं। जैसे एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस थीटा, क्लियर, एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इसका अपोजिट जस्ट रहता है, टेन और कॉट का रिलेशन है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये पूरा हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है उसके हमारे ये पूरे फार्मूलाज है। और इस फार्मूला किस बेस पर रहते हैं, वही हमारे पास है पी बी पी बाई एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद बाई हर हर भोले, दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। इसको हम याद रखेंगे, रटना नहीं है आपको, सिर्फ समझना है, ठीक। तो साइन एक बार फिर से देख लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, एंड सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये हमारे पूरे फार्मूलाज हो गए, क्लियर हो गया। अब इसी के बेस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा जो कि आपको ध्यान से देखना है, वो बहुत ईजी मेथड से है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे लाइक दैट जस्ट आई एम टेलिंग यू वन क्वेश्चन, देखिए आप आइए देखिए, एक क्वेश्चन है इसमें है, सपोज दैट कॉस 53 डिग्री बाई, क्वेश्चन नंबर वन है आपके पास में, बाई साइन 37 डिग्री। अब आप देखेंगे 53 और 37 का टोटल हमारा कितना 90 हो जाएगा, 53 एंड 37, 73 10 एंड 53 90 डिग्री हो गए। तो इस केस में क्या करेंगे, कॉस 53 डिग्री है, ये तो आप इसको चेंज कर दें, ये तो आप इसको चेंज कर दें, तो इक्वल टू हो जाएगा, दो कॉस को कॉस कहना, चाहे इसको न्यूमरेटर चेंज करें चाहे एक को चेंज करना, कॉस को कॉस ही रहेंगे, और 90 डिग्री में क्या माइनस करेंगे, 53 हो जाए, माइनस 37 माइनस कर देंगे, तुम्हारा 53 आ जाएगा, इसको हम वही लिख देंगे साइन 37 डिग्री, क्लियर हो गया आपके। अब आप देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास में, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा है, तो
तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, मीन्स क्या है आपके पास 37 डिग्री, 37 डिग्री बाई साइन 37 डिग्री आपके पास पहले से, ठीक। तो ये कैंसिल हो गया तो रिजल्ट कितना आ गया आपके पास में, 1 आ गया। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, अब आपको सभी कॉन्सेप्ट इसी तरह से क्लियर हो जाएंगे, बस आपको थोड़ा समझने की दे वो है, और यही आप ट्रिग्नोमेट्री का आपको यूज करना है। मैं आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे ले रहा हूँ, टैन सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 है, टैन 68 डिग्री बाई कितना, हाउ मच गिवन है, कॉट 22 डिग्री। अब टैन 68 डिग्री है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप देखो ये टैन में कॉट में कुछ ही एक को चेंज कर दीजिए, जैसे हम ऊपर को ही चेंज कर देते तो टैन हो जाएगा आपके पास में 90 में क्या माइनस करें 68 हो जाएगा, 90 में 22 माइनस कर दीजिए, उसी के साथ में आंसर रहता है। देखो तो अब बाई हो जाएगा कॉट 22 डिग्री, तो टैन 90 माइनस थीटा क्या होता आंसर, टैन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हाउ मच, ये होता आपके पास में कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास में कॉट 22 डिग्री, और बाई ये आपका सेम वही रहेगा कॉट 22 डिग्री, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 इक्वल टू 1 आपका, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, है ना? अब मैं आपको एक क्वेश्चन और इसी पर मैं आपके खूब प्रैक्टिस किए आपको हम कर लेते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे नंबर थर्ड देखिए, नंबर थर्ड क्या है, सेक 49 डिग्री बाई कितना, हाउ मच, कॉसेक 41 डिग्री। अब इसमें चाहे ऊपर वाले को कैंसिल चेक चेंज करिए नीचे वाले को, तो इसमें देख लीजिए सेक 90 डिग्री में क्या माइनस करेंगे, हमारा 49 आ जाएगा, 41 डिग्री माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 41 डिग्री बाई कॉसेक 41 डिग्री, कॉसेक 41 डिग्री, सेक 90 माइनस थीटा, फार्मूला भी हमने पीछे पढ़ा है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाउ मच, कॉसेक थीटा, तो ये ऊपर हो जाएगा हमारे पास में इक्वल टू यहाँ भी इक्वल टू लगा दीजिए कॉसेक, ये हो जाएगा 41 डिग्री बाई सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, थीटा मीन्स ये 41 डिग्री बाई कॉसेक 41 डिग्री, सेम वैल्यू है, कैंसिल कर देंगे हमारा, तो कितना आ जाएगा आंसर, 1/1 इक्वल टू हो जाएगा 1, ये आपका हमारा हो जाएगा आंसर। माय डियर स्टूडेंट आपको ये क्लियर हुआ हो गया होगा आई थिंक सो। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन थोड़ा सा मेजर क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके पास में। क्वेश्चन ये है कि टू प्रूव दैट क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस ए बाई टेन ए इक्वल टू आपके पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये प्रूफ करना है कि टू प्रूफ क्या हमारे पास में है, साइन टू प्रूफ क्या गिवन है आपके पास में, टू प्रूफ है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस ए डिग्री ए बाई टेन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब हम इसमें क्या लेंगे, एल एच एस ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास में, साइन 90 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस ए बाई लिख देंगे टेन ए। क्लियर हो गया? अब फार्मूला ऑलरेडी वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा मीन्स ए इंटू ये कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन ए बाई आपका गिवन क्या आपके पास में, ये आपको गिवन है टैन ए। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन ए बाई हो जाएगा, ये डिवाइजर लाइन है, ध्यान से देखिएगा, ये डिवाइजर लाइन है आपके पास में, ये डिवाइजर लाइन है, इसको भूलिएगा मत भाई। क्या गिवन आपके पास में, टैन ए का फार्मूला क्या होता है हमारा, टैन ए इक्वल टू होता है साइन ए बाई कॉस ए, राइट। तो यहाँ हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए। अब ये जो लाइन है, ये डिवाइजर लाइन है, तो कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कर देंगे, जो ये हमारा साइन ए बाई कॉस ए ऑलरेडी वी नो दैट रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए, राइट। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए,
कॉस स्क्वायर ए को हम वी कैन राइट हियर, ऑलरेडी वी नो दैट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन क्या हो जाएगा, वन। तो हमको क्या निकालना, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हाउ मच, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। सो वी हैव टू राइट हियर वन माइनस साइन स्क्वायर ए, यही हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमको जो राइट हैंड साइड ही हमको लाना है, वन माइनस साइन स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना है। तो ये हमारे पास में आ गई वन माइनस साइन स्क्वायर, दिस इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपको मैंने रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया और उनका टोटल सम क्या होता है, ऑलरेडी उन्होंने द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। उसी पर बेस मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और अगर और हमारे चैनल को लाइक शेयर करिए करिएगा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। मैं इसी आशा के साथ में ये क्वेश्चन को यहाँ वो करता हूँ, थैंक यू।